बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम अभी जो इंग्लिश का पेपर आज ही हुआ, लाहौर बोर्ड का सब्जेक्टिव पेपर, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके सब्जेक्टिव पेपर में आंसर क्वेश्चन जो आए हैं वो आपके सामने, हाउ आर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस ऑफ द रसूल सल्लम, फर्स्ट यूनिट में से आया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू ईयर्स एव डिनर, चाइनीज यूनिट में से आया। फर्स्ट एड में से तीसरा आया। और इस तरह रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर वर्सेस बुक्स वर्सेस न्यूज़पेपर में से आया ये। और व्हाट आर द डिस्टिंक्शंस, इसी तरह ये बारी बारी आंसर क्वेश्चंस हैं। प्रिजनर्स ये वो 11वें यूनिट में से आया और ये आखिरी 13 यूनिट में से आया हुआ है जनाब, याद करिएगा। उसके बाद आगे है जी, पैराग्राफ की हम बात करते हैं तो लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, इट इज़ अ रिकॉर्ड हु वी आर। जी स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ जो लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, ये आया जनाब आपके यूनिट नंबर 10 अवार्ड विदाउट बुक्स से, पैराग्राफ नंबर 3। पूरा नहीं दिया बहरहाल, उसने वहीं से लिया, थोड़ा एंड पे छोड़ दिया। बहरहाल ये 10वें में से आया है, नहायत ही अहम था वैसे ये पैराग्राफ। और मैंने अपने फर्स्ट जो मैंने T1 लिया था, सॉरी T कह रहा हूँ, एक टेस्ट लिया था बहरहाल अपना, उसमें भी ये दिया हुआ था। 2-3 टेस्टों में ये मेरा रिवाइज हो चुका है ये पैराग्राफ। और इसके अलावा पोएम ट्राई अगेन समरी आ गई है, नहायत ही अहम थी, बारहा बच्चों को बताया था। 3 थी बहरहाल जी, एक तो आनी ही आनी थी। उसके बाद जनाब देखिएगा, ऐसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लाइब्रेरीज दोनों ही मैंने अहम बताए थे और दोनों ही आ गए, याद रखिएगा। कायद आज़म और लाइब्रेरीज दोनों ही अहम थे, वही आए। फिर डायरेक्ट इंडायरेक्ट की बात करते हैं हम, तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी नहायत अहम, वही एक्सरसाइज जो आपकी असर्टिव सेंटेंसेज हैं, इम्पेरेटिव हैं, ऑप्टेटिव हैं, सिमेट्री हैं, इंटरोगेटिव, वहीं से सारा, मतलब कंपोजिशन वाली बुक से ही सारे के सारे आए। इसी तरह ये पेयर अवर्ड्स भी नहायत अहम, वही आए हैं जो अहम बताए गए थे। और मैं जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता था, वालदैन की इज़्ज़त करना या इधर खिदमत, उसने कर दिया। हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, नहायत अहम पैराग्राफ, अक्सर बच्चों को मैंने कहा था ये पैराग्राफ, वो आ गया कंपोजिशन वाला। तो इस तरह ये नहायत ही आसान सा पेपर था जो आपके सामने आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये आसान लगा होगा। और जिन्होंने मेरे चैनल से तैयारी की थी या मेरे गाइडिंग में, उनके लिए तो नहायत ही ये आसान सा पेपर है। तो बेस्ट ऑफ लक सेकेंड टाइम वाले बच्चों के लिए भी, इंशाल्लाह उम्मीद है आसान सा आएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी, इंग्लिश विद सर आसिफ लसन को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। बेस्ट ऑफ लक।